और दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो आज के वीडियो में हम देख रहे हैं वीवो T3 का कैमरा सेटिंग्स। तो इसमें तो दिया है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेटअप F1.79 एपर्चर वाला। दूसरा आपको मिलता है डेप्थ सेंसर F2.4 एपर्चर वाला, इतना मुझे अच्छा नहीं लगा। और तीसरा जो है फ्लिकर सेंसर, जो इंडोर सिचुएशन में लाइक टंगस्टन बल्ब रहता है, फ्लिकर होता है या फिर ऐसे क्लिक करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर डिटेक्ट करके अच्छे पिक्चर्स आपको देता है, तो फ्लिकर सेंसर है वो। बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे कैमरा सेटिंग्स और कैसे आप अच्छे अच्छे फोटोज खींच सकते हैं इस सिस्टम को यूटिलाइज करके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है वीवो T3 का कैमरा यूजर इंटरफेस और मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक लेवल जो है उसको ऑन किया हुआ है। जैसे ही येलो आता है मतलब ग्राउंड से लेवल ठीक है बराबर से, तो वैसे आपको कैप्चर करना है यूजुअली। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा वीवो का इम्प्लीमेंटेशन, नेचुरल टेक्सचर एज वेल एज विविड मोड करके है। यूजुअली अगर आप कोई एक दो सब्जेक्ट का ऐसे क्लिक करना चाहते हैं, एक दो पर्सन है या फिर एक दो ऑब्जेक्ट्स है कुछ क्लिक करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली टेक्सचर्ड मोड यूज कीजिएगा, बहुत ही अच्छा विनेटिंग देता है और जो सामने ऑब्जेक्ट रहता है कोई भी सब्जेक्ट रहता है उस पर फोकस जाता है। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने इंप्लीमेंट किया है टेक्सचर्ड मोड। और विविड तो जैसे सैचुरेशन थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ज्यादा देता है, एक्चुअली नेचुरल देता है यूजुअली, क्योंकि अगर हम नेचुरल मोड ही यूज करते हैं तो थोड़ा वार्म कलर आता है फोटोज वीवो T3 से, तो उतना मुझे अच्छा नहीं लगा। नॉर्मल जो कलर टेम्परेचर यहाँ पर आंख से दिखाई देता है वैसे कलर्स नहीं लेता है, थोड़ा वार्म कलर में बदल देता है, तो इसलिए आप विविड मोड यूज करके क्लिक कीजिएगा जनरली तो अच्छे फोटोस आते हैं। नेक्स्ट है 1x up to 2x जूम, यहाँ पर पिक्चर्स जो है वो शार्प आते हैं जनरली, जैसे हम क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पर 1x versus 2x। एंड इससे ज़्यादा अगर आप जूम करेंगे तो थोड़ा नॉइस एंड सॉफ्टनेस ज़्यादा आने लगता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप 1x to 2x तक आप यूज कीजिएगा जूम लेवल। तो इसमें डाउनसाइड नेगेटिव चीज जो है वो बिल्कुल इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल सेटअप नहीं दिया गया है, एंड देयर इज आल्सो नो मैक्रो, सामने से मैक्रो जो क्लिक करना चाहते हैं वो क्लिक नहीं कर सकते आप। अल्ट्रा वाइड शॉट्स लेते हैं वो भी नहीं है, टेलीफोटो का प्रॉपर इन्होंने लेंस नहीं लगाया सेंसर। तो बेसिकली 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा से ही आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा, राइट? वो एक नेगेटिव चीज लगा मुझे इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं सेटिंग्स में, यहाँ पर बहुत ही अच्छा अच्छा सेटिंग्स इन्होंने इंप्लीमेंट किया है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है आपको हमेशा 4:3 एस्पेक्ट रेशियो में ही क्लिक करना है। क्यों ऐसा? मैक्सिमम रेजोल्यूशन चाहिए आपको, शार्प फोटोज चाहिए, डिटेल्ड फोटोज चाहिए, तो 4:3 लेना है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ फुल मूड रख देते हैं, जैसे शोरूम से आया होता है या फिर मोबाइल स्टोर से, फुल मूड में स्क्रीन तो बहुत ही अच्छा दिखता है, ऐसे ऐसे क्लिक करके फोटोज ले लेते हैं, लेकिन इसका एक्चुअली जो रिजल्ट आता है ना वो एक्चुअली फुल रेजोल्यूशन यूटिलाइजेशन नहीं है। जो 12 मेगापिक्सल का कैमरा पिक्चर क्लिक करता है उसका एक्चुअल रेजोल्यूशन यहाँ पर नहीं आता है, तो इसलिए थोड़ा इमेजेस सॉफ्ट आते हैं, इतना डिटेल्ड भी नहीं आते हैं। तो अगर आप 4:3 एस्पेक्ट रेशियो यूज करेंगे तो बहुत ही डिटेल्ड शॉट्स आपको मिलता है हमेशा। नेक्स्ट वन है लेवल, जैसे कि मैं यहाँ पर जो ऑन किया हूँ ये यहाँ से ऑन होता है, इलेक्ट्रो लेवल मीटर कहते हैं ना, यहाँ से ऑन होता है। तो ये ऑटो फोकस ट्रैकिंग है, बहुत ही अच्छा है, अगर कोई पर्सन से यहाँ पर दौड़ रहे जा रहे हैं तो इंस्टेंटली ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके वो क्लिक कर देगा, वो भी अच्छा है। शेक रिमाइंडर, अगर कोई फोटोस शेक हो रहा है कुछ होता है तो यहाँ पर झट से आपको रिमाइंड करके बता देगा, तो इसलिए एक छोटा बबल जैसा सर्कल यहाँ पर दिया है। वेरी स्टेबल हम पकड़ते हैं तो येलो येलो करके रहेगा कलर, अगर मैं थोड़ा भी शेक करता हूँ तो वाइट में बदल देगा, तो इससे आपको पता चलेगा कि शेक हो रहा है या नहीं फोटोज़। तो हमेशा के लिए आप बिना शेक किए अच्छे फोटोज खींच सकते हैं, ये एक अच्छा लाइक रिमाइंडर इन्होंने लगाया है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स, इसमें ये तो बहुत ही अच्छा है, देखिए यहाँ पर ऊपर से अगर मैं चेंज करता हूँ तो कलर कितना सैचुरेटेड और अच्छा होता है, जितना हमको चाहिए उतना सैचुरेटेड कर सकते हैं, स्पेशली ऐसे जो लैंडस्केप सीनरी है, ग्रीन है, लीव्स है, तो ऐसे चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। वैसे ही एक्सपोजर भी यहाँ पर दिया है, अंडर एक्सपोजर या फिर ओवर एक्सपोज करके भी आप खींच सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सीनरियो, जैसे हम आँख से देखते हैं वैसे नेचुरल है या नहीं देख कर आप इस चीज़ को चेंज करना है। फिर से नॉर्मल लेने के लिए इसको जस्ट टैप करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। दूसरा चीज़ है वाटरमार्क, अपना नाम या कुछ भी रख सकते हैं, एंड देयर इज आल्सो दिस HDR टर्नड ऑन है, उसको ऑन ही छोड़ दीजिएगा, अच्छे फोटोस आते हैं। तो इतने सारे इफेक्ट्स और इतने सारे फीचर्स वीवो T3 में आपको देखने को मिलता है। कैसा लगा वीडियो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छे अच्छे फोटोज खींच के आप मेरे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज पर फॉलो करके वहाँ भेज सकते हैं। तो वीवो T3 का कैमरा सेटअप और आपने देखा कैसे अच्छे पिक्चर्स को क्लिक करते हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूले, वैसे लाइक और शेयर करके इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।